हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की क्या एज सही होती है, किस एज में हमें माँ बनने के लिए अधिकतर सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक पुट कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादा एज प्रेगनेंसी में कुछ मदर में और बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि 35 साल के बाद अगर प्रेग्नेंट होती है मदर तो उसमें डायबिटीज़ होने की, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कंडीशन जिसमें कि आवल नाल के नीचे होती है बच्चेदानी के मुँह पर, प्लेसेंटा नीचे होता है, इसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बच्चे में भी कुछ अनुवांशिक बीमारियाँ जैसे कि डाउन सिंड्रोम ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो ये एक हो गई रिस्क। उसके अलावा अगर हाई एज में प्रेग्नेंट कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे अच्छी और सही एज जो प्रेगनेंसी की है वो 20 से अर्ली 30s तक होती है। और जनरली क्या होता है कि आजकल शहरों में सबको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि जब हम इस्टेब्लिश हो रहे हैं उसी समय प्रेगनेंसी रह गई तो दे गो फॉर ए मिसकैरेज या अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो मैं बता दूंगी कि अगर हाई एज ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती है तब अबॉर्शन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जैसी की कंडीशन भी बढ़ जाती है, उसमें भी कंसीव होने में, प्रेग्नेंट रहने में दिक्कत हो जाती है। तो अपने कैरियर के साथ साथ अपने फैमिली के लिए भी हमें सोचना चाहिए, और टाइम से ही प्रेगनेंसी करनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा कि आपकी प्रेगनेंसी डिले करने से, एक तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में तो गर्भ ठहरने में ही दिक्कत हो जाएगी, और अगर रह जाती है तो फिर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि 35 साल के ऊपर जब बच्चे में आपको फिर डाउन सिंड्रोम के लिए ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये कराने पड़ते हैं, अपनी रिस्क देखनी पड़ती है, और मदर में भी हाई रिस्क हो जाए तो फिर पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको डॉक्टरी विजिट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे ही फादर में भी एज के साथ बच्चा रहने की क्षमता थोड़ी कमी हो जाती है, और उनमें भी अकोंड्रोप्लेजिया इस टाइप की बच्चे में दिक्कत हो सकती है अगर लेट एज में करें। तो सबसे सही एज है कि आप 20s से अर्ली 30s में ही अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, क्योंकि लेडीज़ में जो नंबर ऑफ ओवा होते हैं, जो एग्स होते हैं जिसके साथ हम आते हैं, गर्ल बॉर्न करती है, वो एक फिक्स नंबर होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं, तो प्रेग्नेंट होने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो राइट टाइम से कंसीव कीजिए। मैंने एक और वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए कि जिससे आप टाइम भी कंसीव कर सकते हैं। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, सब टेक केयर।